हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु क्या होती है, क्या इसको भारत में लागू किया गया है या नहीं लागू किया गया है। साथ ही साथ में जानेंगे कि किन देशों ने इसको लागू किया है। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल एडो हेल्प अस। तो दोस्तों, इच्छा मृत्यु या दया मृत्यु से आशय यह है कि जो व्यक्ति किसी असाध्य रोग से पीड़ित वर्षों से निर्जीव स्थिति में पड़ा, असहाय शारीरिक पीड़ा या यातनाएं भोग रहा है, क्या उसे चिकित्सक की सहायता से स्वयं के जीवन का अंत करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई रोगी महीनों से बेहोशी की हालत में कृत्रिम श्वास मशीन मतलब रेपिसरेटर के सहारे जी रहा है और चिकित्सक जानता है कि कृत्रिम श्वास नली हटाते ही उसकी तत्काल मृत्यु होना सुनिश्चित है, तो क्या ऐसी स्थिति में उस रोगी की प्राकृतिक मृत्यु के पूर्व श्वास नली हटाकर उसके परिवारजनों की मांग पर उसका जीवन समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि वर्तमान विधि के अनुसार चिकित्सक द्वारा किया गया ऐसा कृत्य हत्या कहलाएगा तथा मृत व्यक्ति के परिवारजन भी हत्या के दोषी होंगे। कभी कभी अत्यधिक वृद्ध अवस्था के कारण व्यक्ति की जीवित रहने की इच्छा पूर्णतः समाप्त हो जाती है और वह स्वयं को दूसरों पर बोझ समझने लगता है। यदि ऐसा व्यक्ति वास्तव में अपने जीवन लीला समाप्त करना चाहता है तो क्या उसे इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। इसी प्रकार कोई एड्स ग्रसित रोगी यह जानता है उसकी मृत्यु निकट भविष्य में सुनिश्चित है और जितने दिनों तक वह जीवित रहेगा समाज के लिए खतरा बना रहेगा, इसलिए स्वेच्छा मृत्यु का इच्छुक है तो क्या उसे विधि के अंतर्गत इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो इच्छा मृत्यु को वैधानिकता प्रदान करने के पूर्व विधिवेत्ताओं द्वारा विचार में लिया जाना आवश्यक है। यह सर्वविदित है कि व्यक्ति के लिए स्वयं के जीवन से बढ़कर और कोई मूल्यवान वस्तु इस संसार में नहीं है। अतः यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को स्वेच्छा से बिना किसी क्षोभ दबाव या आवेश के समाप्त करना चाहता है तो उसे इसकी अनुमति दी जाए अथवा नहीं, इस बारे में अधिकांश देशों की विधियों का दृष्टिकोण नकारात्मक रहा है। भारत में इच्छा मृत्यु को वैधता प्राप्त नहीं है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य AIR 1996 SC के मामले में कहा गया कि यदि इसे वैधता प्रदान की जाए तो आत्महत्या का प्रयास धारा 309 IPC स्वयं ही निरस्त हो जाएगा तथा संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित जीवन जीने के अधिकार में मरने का भी अधिकार शामिल हो जाएगा। इसी प्रकार IPC की धारा 300 में छठे अपवाद के रूप में यह जोड़ना आवश्यक हो जाएगा कि इच्छा मृत्यु से कार्य जीवन का अंत सदोष मानव वध का अपराध नहीं होगा। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत में इच्छा मृत्यु को वैधानिकता प्राप्त नहीं है। इच्छा मौत को अब तक वैधानिक मान्यता हॉलैंड यानी नीदरलैंड तथा बेल्जियम ने ही प्रदान की है। मानव अधिकार विशेषज्ञों के अनुसार इच्छा मृत्यु को वैधता प्रदान करने में सबसे बड़ा खतरा यह है कि इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो सकता है। मृत्यु सजा पर पड़े व्यक्ति को संपत्ति के लिए चिकित्सक के साथ मिलकर जहरीला इंजेक्शन देकर या मृत्यु के नाम पर मरवाया जा सकता है। इसी तरह परिवार पर बोझ बन चुके मानसिक रूप से विक्षिप्त या लकवा, कैंसर या असाध्य रोग के मरीजों पर भी इसका कानून की गाज गिर सकती है। अनेक बार जीवन की आस छोड़ चुके गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्ति भी आश्चर्यजनक रूप से ठीक हो जाते हैं, इसलिए ऐसे लोगों के लिए इच्छा मृत्यु उपयुक्त विकल्प नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पहले की तरीके से हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।